नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। सिकंदरा राव में यूपी 100 के पुलिस अधिकारी जयवीर सिंह के पास से एक शराब की बोतल, ग्लास और नमकीन बरामद हुआ है। सिकंदरा राव में यूपी 100 के पुलिस अधिकारी जयवीर सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह को ऑन ड्यूटी शराब पीते पाया गया। इस बात का पता लगाया उन्हीं के साथी एक इंस्पेक्टर ने। उन्होंने यूपी 100 गाड़ी में मौजूद एक शराब की बोतल, गिलास और नमकीन बरामद की और अब उसे इंस्पेक्टर के द्वारा डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। जयवीर सिंह ने ऑन ड्यूटी पर शराब पी है या नहीं, इस बात का पता डॉक्टरी जांचों से चलेगा। जनपद एटा के गांव बाचा में राशन डीलर को लेकर दिखा महिला और पुरुषों का आक्रोश। जनपद एटा के रिजोर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाचा में राशन डीलर को लेकर महिला और पुरुषों में आक्रोश दिखा। ग्राम पंचायत नगला बाचा में राशन डीलरों की चल रही है मनमानी। ग्राम पंचायत के लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत नगला बाचा में पिछले 25 वर्षों से राशन की दुकान गांव के ही निवासी लटूरी सिंह और गंगा सिंह पर है, लेकिन किसी को राशन नहीं मिलता। मिलता है तो अपने लोगों को और कोई लेने नहीं जाता, तो उनका जवाब होता है कि तुम्हारा राशन कार्ड ग्राम प्रधान के पास है। सवाल यह है कि क्या इस फर्जी घोटाले में जिला आपूर्ति विभाग भी शामिल है? क्या ये कोटा डीलर और पूर्ति विभाग के लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं? इस राशन डीलर की शिकायत कई बार जिला अधिकारी से की गई, तत्पश्चात कोई कामयाबी नहीं हुई। क्या ऐसे में प्रशासन और पूर्ति विभाग ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ घुटने टेक रहा है? इनाम सिंह ने बताया कि ये दोनों राशन डीलरों ने मेरी प्रधानी में कभी दस्तखत नहीं कराए और ग्राम प्रधान इनाम सिंह का आरोप है कि मेरी फर्जी मोहर और फर्जी दस्तक करके राशन लाया जा रहा है। पिछले नवंबर 2015 से ग्राम प्रधान के कोई दस्तक नहीं कराए गए और फर्जी दस्तक करके राशन डीलर राशन ला रहे हैं और बताया कि 35 अत्योदय एवं गृहस्थी पात्र डबल चल रहे हैं, जिनका नाम राशन कार्ड सूची में दिसंबर 2016 तक आया, जिसका जवाब राशन डीलर ने नहीं दिया। दिसंबर 2016 में जो राशन कार्ड आए वो अभी तक राशन डीलर ने वितरण नहीं किए। आज ग्राम पंचायत बाचा के गांव विक्रमपुर में सभी पीड़ित महिलाएं और पुरुषों ने प्रधान इनम सिंह के घर शिकायत करने को सैकड़ों की तादाद में एकत्रित हुए, जहां सभी पीड़ितों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और सभी पीड़ितों की मांग है कि राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये और घोटाला करने का आरोप लगाया। सुमित्रा देवी, क्या समस्या है? आज यहाँ पे बैठक लगाई गई है। क्या समस्या है कि हमारा अंत्योदय का कार्ड बनो तो, जब से हमारे घर वाले खत्म हो गए तब से हमें राशन कार्ड नहीं मिला है। 6 साल हो गए और अब नव बनवा दिया है प्रधान जी ने, बामे में नहीं दिया है। तो आज यहाँ पे आप लोगों ने जो मीटिंग की है किस उद्देश्य से की है? हमने प्रधान से शिकायत की है कि हमारा राशन नहीं मिलता है। चौपाल लगाई हुई है, क्या समस्या है? ये समस्या है कि राशन को लेकर के समस्या है कि लोगों को राशन धारकों को राशन नहीं मिलता है, कार्ड धारकों को। इस संबंध में जो है एक चौपाल लगाई गई और आपको बुलाया गया। कितनी सालों से नहीं मिल रहा है राशन इन लोगों को? मैं तो सालों की तो नहीं बता सकता हूँ, तो नवम्बर 2015 में प्रदान हुआ उस दिन से आज तक की बता रहा हूँ। बिल्कुल राशन मिलता ही नहीं है, तेल देते हैं, राशन देते हैं, बहुत दिन है। आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, फिर भी नहीं देते हैं, क्या कह देते हैं? राशन भी नहीं देते, कार्ड भी नहीं दिया। क्या कह देते हैं? जो कह देते हैं अभी तुम्हारा आया नहीं है, अगला महीना बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, देते ही नहीं। बिल्कुल कब से नहीं दे रहे हैं ये राशन आपको? हमें तो बिल्कुल ही ना दो राशन। तो सोनू कुमार नाम का युवक 18 वर्ष की कुंती नाम की लड़की को लेकर फरार हो गया। सिकंदरा राव क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर माधुई गाँव का रहने वाला सोनू कुमार 18 वर्ष की कुंती नामक की लड़की दिनांक 14 को लेकर फरार हो गया। जिस कुंती की शादी आने वाले 28 फरवरी को उसके माँ बाप की मर्जी से होने वाली थी और कुंती अरसोले के रहने वाले सुशील कुमार की बेटी है। कुंती के परिजनों ने बताया कि जब वो सुबह 3 बजे सोकर उठे तो उनकी बेटी कुंती घर से फरार थी और कुंती के परिजनों ने मामला सिकंदरा राव कोतवाली में दर्ज करा दिया है। 11 बजे जब हुआ है, अच्छा 11 बजे गई है तो 12 बजे उठो जी, तो बोलो बत्ती तो चली गई। फिर मैंने की तू बैटरी से लगा दे तार, बस चचा वो तार। लड़की का क्या नाम है तुम्हारी? कुंती है। कुंती कितने टाइम गई है? जैसी गलती होगी हम 12 बजे उठे हैं, 12 बजे तो मिली नहीं है वो। हम सवेरे 3 बजे उठे हैं, हाँ हाँ तो इधर देखो ना, मिली नहीं वो।
किसके साथ गई है? जी माधुरी को, सोनू नाम है लड़का। सोनू? हाँ, गोरा सो है, कंजी आंख है। सोनू लड़के के साथ चली गई। अच्छा, उसकी शादी होने वाली थी? हाँ, मेरी ननी की शादी है। कब? 28 तारीख। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन तीनों पार्टियों ने देश प्रदेश को जमकर लूटा है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में दो लड़कों का गठबंधन हुआ है, विकास का नहीं। लड़के वह होते हैं जो लड़ बिगड़ कर पैदा होते हैं। यह किसी की भलाई नहीं कर सकते, न इन्होंने किसानों की भलाई की, न जनता की और न इस प्रदेश की। इन्होंने लूटने का प्रयास किया है। एक ने दिल्ली लूटी तो एक ने उत्तर प्रदेश। यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बुंदेलखंड घूमे, खाट सभा की, खाट अंतिम समय में उठाई जाती है और अब कांग्रेस की खाट उठ गई है। यह कांग्रेस का अंतिम समय है और पूरे देश से समाप्त हो गई। कांग्रेस कहती थी कि 27 साल यूपी बेहाल और सपा के खिलाफ खड़ी रहती थी, लेकिन अब कांग्रेस इस सपा के साथ हो गई है। एक दो लड़कों का गठबंधन हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ ये गठबंधन विकास का नहीं है, ये गठबंधन किसान के भले का नहीं है, ये गठबंधन गरीब के भले का नहीं है। एक दिल्ली में लूटने वाले का और एक प्रदेश में लूटने वाले, दो ठग बंधन दोनों ने ठगा है। इन दोनों ठग बंधनों को प्रदेश से उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना? बुंदेलखंड के लिए आजादी के बाद से राहुल गांधी घूमे कि नहीं घूमे बुंदेलखंड में? और कौन चार खास चार पर क्या किया? खाट सभा नकल तो करने चले थे मोदी जी की, चाय पर चर्चा, लेकिन आपने देखा होगा खाट कब उठाई जाती है? जब अंतिम यात्रा आ जाती है, उसके पहले खाट नहीं उठती। कांग्रेस का अंतिम समय आ गया, पूरे देश से खत्म होती चली जा रही हो रही है कि नहीं हो रही है? वही कांग्रेस जो कहती थी 27 साल यूपी बिहार में सदन की सदस्य थी, इसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस रेल में आ जाती थी कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, उत्तर प्रदेश में लूट हो रही है, उत्तर प्रदेश में बालू माफिया हावी है। यही कांग्रेस अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 27 साल यूपी बिहार भूल गए? क्या भूल गए राहुल गांधी जी? मैं याद दिलाना चाहती हूँ, राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, 62 वर्षों में तुमने देश के किसानों को ठगा है, तुमने देश के गरीबों को ठगा है। अब गरीब तुम्हारे चक्कर में आने वाला नहीं है, क्योंकि उनको सहारा गरीब का बेटा मोदी मिला हुआ है। अब तुम्हारे घरानों के, राज घरानों के चक्कर में आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बहन जी है, नोटबंदी को देवकली वालों को परेशानी हुई है क्या? देवकली वालों को बेचारे रोज रोटी रोजी कमाते, उनके पास करोड़ रुपया तो नहीं होगा ना? इतने लोगों में कोई भी करोड़ वाला नहीं होगा जो नीचे बैठे हैं। तो नोटबंदी की इनको पीड़ा हुई, बहन मायावती जी को जो 5 करोड़ की माला पहनने वाली, कहती है मैं दलित की बेटी हूँ, दलित की बेटी। अरे और समाज को छोड़ो, तुम अपने ही समाज की चिंता कर लेती तो एक समाज का तो कम से कम उद्धार हो जाता, लेकिन नहीं किया। अखिलेश जी कहते हैं मेरा काम बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? बोलो ना, हर मंच में बोल रहे हैं मेरा काम बोल रहा है। अखिलेश जी तुम्हारा काम तो नहीं बोल रहा, लेकिन बोल तो रहा है, मथुरा का कांड बोल रहा है, तुम्हारा काम नहीं बोल रहा है। सहारनपुर का दंगा बोल रहा है, काम नहीं बोल रहा, बोल तो रहा है। मुजफ्फरनगर का कांड दंगा बोल रहा है, बोल नहीं रहा, काम बोल रहा है। बस याद करिएगा, सड़क से खींच करके जिन माँ बहनों की इज्जत उनके परिवार के सामने लूटी गई, अखिलेश जी तुम्हारे बाप कितना तुम्हारा चेहरा साफ कर दे, लेकिन ये कलंक कभी छूटने वाला नहीं है, जनता कभी भूलने वाली नहीं है।
कि मैं इतने कह सकती हूँ जितने राज्य बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, और हमारी मांग भी है कि इस प्रदेश को विकसित करना है। सबसे ज्यादा राजस्व वसूली देता है तो बुंदेलखंड राज्य गठित हो, दोनों राज्यों में यहाँ प्रदेश सरकार होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है यहाँ नहीं है। जब तक दोनों सरकारें प्रस्ताव बैठ करके नहीं बनाएंगी तब तक गठित नहीं हो सकता है, और मैं कह सकती हूँ प्रदेश सरकार चले बनेगी तो हम लोग इस पर करेंगे। मुझे लग रहा है जब आदमी ज्यादा हताश हो जाता है तो अपने मन के लिए कहते हैं बहलाने के लिए गालिब, वही अच्छा है। मैं इतने कह सकती हूँ कि मायावती की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूम रही हूँ, जिस उत्साह से कार्यकर्ता लगा हुआ है, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इन ढाई वर्षों में काम किया है, लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, ये हिसाब मांग रहे हैं, ये हिसाब अभी केंद्र का चुनाव नहीं है, केंद्र को नहीं देना, अभी अखिलेश जी को देना है, अखिलेश जी हिसाब दें, और मायावती भी सात 2007 से 12 तक का हिसाब दें। मैं इतने कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी विधानसभा के 19 फरवरी को तीसरे चरण के चुनाव होंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट पड़ेंगे। साल 2012 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने इन 69 में से 55 सीटें जीती थी, वहीं बसपा को 6 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को हासिल हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में जो प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें जसवंत नगर सीट से मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव, लखनऊ छावनी सीट से मुलायम की बहू अपर्णा और मौजूदा विधायक रीता बहुगुणा जोशी, मुख्यमंत्री अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव, प्रदेश के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल बसपा छोड़कर भाजपा में गए, ब्रजेश पाठक कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया शामिल हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए समाचार टाइम 24।